भांगुर नगर पुलिस ने एक रिक्शा चालक को 40 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार 24 जनवरी 2019 के दिन शाम 5 बजे के दरमियान भांगुर पुलिस स्टेशन की हद पे गणेश घाट कोरेगांव पश्चिम मुंबई में खाड़ी के पास के कीचड़ में एक महिला बेहोश पड़ी है। ऐसी सूचना भांगुर नगर के पुलिस थाने के अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही भांगुर नगर पुलिस थाने के अधिकारी और थाने अमलदार घटनास्थल पर पहुंचे। उस जगह खाड़ी के कीचड़ में पुलिस अधिकारियों को एक महिला की लाश मिली, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। एक महिला कौन है इसकी जानकारी पाने के लिए पुलिस अधिकारी आसपास की जगह में छानबीन शुरू की। पुलिस को पता चला कि यह महिला का नाम नूरी है। इसके बाद वारदाता की जगह पर महिला की मां पहुंची और उसने पुलिस को बताया कि यह मेरी बेटी है। इसका नाम नाजमा उर्फ नूरी नेक मोहम्मद खान, उम्र 40 वर्ष है। महिला की लाश को तुरंत एम्बुलेंस में सिद्धार्थ विद्यालय कोरेगांव पश्चिम में भेजाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे जांच करके दाखिला के पूर्व मृत घोषित कर दिया। मृत महिला की मां ने अपनी बेटी की हत्या की शिकायत भांगुर नगर पुलिस थाने में दर्ज कराई। भांगुर नगर के अधिकारियों ने गुना क्रमांक 38-19 धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर महिला की हत्या की कुत्ती सुलझाने में लग गए हैं। इस गुनाह की जांच में भांगुर नगर और कोरेगांव पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को एक व्यक्ति ने सूचना दी कि मृत महिला को एक पुरुष के साथ ऑटो रिक्शा में गणेश घाट के परिसर में जाते देखा। उस रिक्शा का अधूरा नंबर 2885 है, ऐसा पुलिस को बताया। पुलिस अधिकारियों ने अधूरे रिक्शा नंबर 2885 की जानकारी आजम नगर के इलाके से निकाली तो पता चला कि यह ऑटो रिक्शा इमरान नाम के व्यक्ति चलाता है। पुलिस तुरंत हरकत में आई और रिक्शा क्रमांक 2885 के चालक इमरान को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी इमरान ने महिला की हत्या की बात कबूल की। इसके बाद पुलिस ने 26 जनवरी 2019 को सुबह 4:18 पर इमरान को महिला की हत्या के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि महिला नशे की आदी हो चुकी थी, रोज 10-20 रुपए मांगा करती थी। घटना के दिन आरोपी महिला के साथ शराब पी रहा था। शराब के नशे में दोनों में झगड़ा हुआ। गुस्साए आरोपी ने महिला की हत्या कर अपने ही रिक्शे में खाड़ी के कीचड़ में फेंक दिया। इस गुनाह की छानबीन में भांगुर नगर के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय बाणी, जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक सुप्रिया पाटिल, सहायक पुलिस निरीक्षक विनीत कदम, दिलीप काड़े, पुलिस उप निरीक्षक लक्ष्मण खरात, नितिन जगपात व गोरेगांव पुलिस थाने के पुलिस उप निरीक्षक मुदावर और दस्ते ने की इस गुनाह के आरोपी को 36 घंटों में गिरफ्तार किया। एक लेडी की बॉडी हमको खाड़ी के किनारे मिली थी, जिसके बाद इनको इमीडिएटली रश किया गया हॉस्पिटल में। वो ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया था। तफ्तीश के बाद पता चला है कि वो अपने एक पहचान वाले के साथ वहाँ आई थी और उन दोनों में कुछ झगड़ा हुआ, जिसके बाद उन्होंने उनके गले में अपना बेल्ट डाला और उनको वहाँ से ढकेला था, जिस वो मार्शी लैंड पे उनका पैर स्लिप होने से वो गिर गए, जिससे उनको गले में फांसी लग गई और उनकी वो झगड़े की वजह से मर्डर मतलब डेथ हो गई। इसके लिए हमने एक मर्डर का केस रजिस्टर किया है और अक्यूज को अरेस्ट किया गया। इस चीज़ की अभी तफ्तीश चल रही है, तो बाकी सारे डिटेल्स जैसे ही पता चलेंगे तो हम बता देंगे। ये रिक्शा ड्राइव करते हैं।